सॉरी दोस्तों, मेरा फ़ोन का मेमोरी जो है वो फुल हो गया था, तो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो फाइल है उसको मैं एचडी में रिमूव कर से फिर से जो है शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो दूसरा मैंने वीडियो लिया है उसमें जो है यहाँ से जब इस तरह से एक पोजीशन देख लें जहाँ से आप जंप ने किया हुआ है, मतलब जंप का आखिरी पोजीशन, और वहाँ से जो है एक पहले जो ये इसी वीडियो को जो है आप एक दूसरे एम्प्टी लेयर में उस वीडियो को इंपोर्ट कर लें। हाँ, तो इस तो है यहाँ से मैं उस वीडियो को इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। और तो दोस्तों उस वीडियो को जो है जम का वीडियो मैंने लाया है, तो इस वीडियो में करना क्या है आपको, इस वीडियो में जैसा ही आप सेम वीडियो होना चाहिए, वही वीडियो होना चाहिए जो आप उसमें एंड में लगा रहे हैं। तो यहाँ इस तरह से देखिए, जब ये हवा में इस तरह से जब जंप हो गया है ये पोजीशन, तो यहाँ से आप यहाँ इस इमेज को पर क्लिक करके यहाँ ऑप्शन में जाके यहाँ कैप्चर एंड सेव फ्रेम जो है ये पहला वाला जो ऑप्शन है यहाँ क्लिक कर लेंगे तो ये जो है इमेज आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप मैं बैक करके इरेजर एप्लीकेशन जो है मेरा जो सेकेंड एप्लीकेशन है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से लोड फोटो, तो यहाँ मैं जाके इमेज में चले जाऊँगा तो यहाँ कैप्चर इमेज में ये इमेज मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ इसी तरह का इमेज जो है मैं आपको जो पहले क्रॉप कर चुका हूँ तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखिए, ये जो इमेज है ये मैंने कैप्चर किया हुआ था, तो इस इमेज को जो है आप इस तरह का इमेज यहाँ से आप डन कर लीजिए, और उसके बाद में जो है आप यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है, मैनुअल है, ऑटो है, ऑटो में अगर आप सिलेक्ट करके यहाँ से आप इस तरह से सिलेक्ट करते जाएंगे तो ये जो है इस तरह से जो कलर जहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे वो इरेज होते जाएगा। तो इस तरह से जो है आप इरेजर के मदद से आसानी से जो है आप अपना बैकग्राउंड जो है उसको फोटो का वो आप इस तरह से इरेज कर लीजिए, और बचा जो है आप जो छोटा मोटा रह रहा है तो इसको आप मैनुअल में जाके ब्रश का साइज छोटा बड़ा आप एडजस्ट करके जो है इस तरह से बाकी के बचे हुए जितने पे बैकग्राउंड है आप क्लियर कर दीजिए इसको। इसके लिए क्या है, आप थोड़ा टाइम लीजिए, इसको छोटा छोटा जो ये है उसको आप अच्छे से जूम कर लीजिए, और जो है थोड़ा फिनिशिंग के साथ जो भी है इसका बॉर्डर आप इस तरह से मतलब ये जो है आप इरेज कर लीजिए। उसके बाद में आप डन के ऑप्शन में अगर क्लिक करेंगे तो इस तरह आएगा, ये आपको मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ मगर मैंने अच्छे से टाइम लेके अच्छे से फिनिशिंग से किया। उसके बाद में जब आपका इमेज हो जाएगा डन में हो गया तो इसके बाद सेव में करके आप जो है सेव गैलरी में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इसको स्टॉप एडिटिंग कर देता हूँ और आपको जो है गैलरी में ले चलता हूँ, तो वापस से काइन मास्टर में आ जाते हैं। तो ये प्रोजेक्ट का अपना हो गया, इसको बैक कर लेते हैं। और इस प्रोजेक्ट को जो है मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी मेरे को ज़रूरत नहीं है, और इस प्रोजेक्ट में तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आखिर में जब जहाँ ये वीडियो मतलब जहाँ आपका वीडियो का जो जंप का इफेक्ट है ख़त्म होगा, या मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको अच्छा से दिखा नहीं पा रहा हूँ, मगर यहाँ अगर देखें
तो यहाँ ये जो है मुझे प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो सिंपली जो है यहाँ पर आप जहाँ ये देखिए, जहाँ जंप हुआ आपका इस तरह से, यही पोजीशन में आप जो है आप फ़ोटो कैप्चर कर रहे हैं। तो यहाँ से फिर लेयर में जाके मीडिया ब्राउज़र में चले जाइए और आपका इरेजर का जो फोल्डर है, ये है इरेजर का फोल्डर जहाँ मैंने जो है ये देखिए ये वाला जंप इफेक्ट मैंने लिया हुआ था। तो इस तरह से जो आएगा, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसी इमेज को साइज करके इसी के ऊपर ओवर लेयर में फिट कर देना है। इसको पूरा एडजस्ट करके, छोटा बड़ा रोटेट करके इसको इस तरह से पूरा परफेक्टली फिट कर दें। तो ये अपना जो इमेज इस तरह से फिट हो गया, तो ये इमेज जो है ऑलरेडी मैं लगा चुका हूँ। तो इसी इमेज को जो है मैं डिलीट कर देता हूँ और आगे का प्रोसेसिंग बताता हूँ। तो ये हमारा हो गया ये वीडियो का एंड। तो यहाँ ये पोजीशन में आ जाएगा जंप में। तो यहाँ से हमने फ़ोटो लगा लिया, फ़ोटो को जो है हम वीडियो के एंड तक लेके जाते हैं। तो 1 मिनट, इसको मैं जो है इसको डिलीट कर देता हूँ ये। तो अब ये जंप इफेक्ट हम कैसे लगाना है, ये जंप इफेक्ट लगाने के लिए ये वीडियो जो फ़ोटो का है इसमें आप देख सकते हैं ये 3 डॉट मैंने दिया हुआ है। तो जब आप फ़ोटो लगाएंगे तो ये डॉट नहीं रहेगा। तो इसको यहाँ, इसको मैं आपको माइनस करके फिर से जो है आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ की का एक सिंबल आप देख सकते हैं, जो इसको यहाँ माइनस कर देता हूँ और यहाँ से ये माइनस। तो अभी जो है अपना इमेज इस पोजीशन में जो है रहेगा। तो यहाँ से हमको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करके थोड़ा सा आगे कर देते हैं, और सॉरी ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा आगे बढ़ा के इमेज को जो है थोड़ा जंप में थोड़ा सा हाइट दे देते हैं और हल्का सा जो है इसको नीचे की तरह तरफ जो है थोड़ा सा डाउन कर देते हैं, को नेचुरली जो लगे कि जंप है। और उसके बाद में आखिर से पूरा लास्ट ना करें, थोड़ा सा आगे में इसी इमेज को जो है इस तरह से स्लाइड और हल्का सा फिर रोटेशन ऐसा करते हुए आपको जहाँ तक लेना है, या इसको पूरा जंप इफेक्ट भी दे सकते हैं, पूरा कर देते हैं। और उसके बाद में नीचे जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली मैंने ऑडियो एडिट कर दिया है। तो ऑडियो का तो एडिट आप यहाँ से ऑडियो में जाके आप जो है गैलरी से ऑडियो इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, कर सकते हैं, हो गया आपका। और इस तरह से जो है आप जो है जंप इफेक्ट जो है आप ये कर सकते हैं। ये हमारा जंप इफेक्ट जो है रेडी हो गया। तो दोस्तों, काइन मास्टर मेरा जो है थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो इस वजह से जो है मुझे आपका जो है पूरा वीडियो दिखाने में थोड़ा परेशानी हो रही है। ऐसा मोड मार करके आप देख ही सकते हैं, इस तरह से जो है आप डाइव इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं, बना सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा टाइम निकाल के आपके लिए जो है एक छोटा सा ट्यूटोरियल बनाने का कोशिश किया है। इस ट्यूटोरियल से मुझे तो ज़्यादा मतलब जिस तरह से मैं बनाना चाहता था उस तरह से बना नहीं पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की भी कमी है और मेरा मोबाइल भी जो है मेरा थोड़ा साथ नहीं दे रहा है, काइन मास्टर प्रॉब्लम बता रहा है। तो इसलिए मैं थोड़ा अच्छे से आपको ट्यूटोरियल नहीं बता पाया हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए इसी वीडियो को आपके लिए आपके रिकमेंडेशन के तहत जो है अपलोड कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत आपको जो है इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, उम्मीद करता हूँ। और आपका कोई भी जो है क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप जो है कमेंट कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो तब मुझे जो है थोड़ा एक आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरह का ट्यूटोरियल देना है, और उस हिसाब से जो है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।